हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एक एडमिशन 2021-22 का है। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। इस यूनिवर्सिटी को नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। टॉप की यूनिवर्सिटी है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ से मिले सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है। इस नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं एडमिशन के लिए, वो आपके 60+ सब्जेक्ट हैं। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट्स है तो आप कंटिन्यू करिए वीडियो को, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन के लिए आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप अपने सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं। और जो पार्ट वन होता है सब्जेक्ट में, आपके जो एग्जामिनेशन का पेपर होता है उसमें पार्ट वन पार्ट टू होता है। पार्ट वन में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो पार्ट फर्स्ट रहता है उसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग से रहता है, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो किस फैकल्टी में दिया गया है, इसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उसमें साइंस साइड से भी होता है और आर्ट्स साइड से भी होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट किस डिपार्टमेंट से आया हुआ है, ठीक है। जो आपका साइट होगा उसी के, जो भी साइट होगा उसी पर ही आप अपना फॉर्म फिल करिएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं जो वो साइंस के भी हैं और आर्ट साइड के भी हैं। तो जो भी आपका एमए हो या एमएससी हो, उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिल करिएगा, अगर आपके साइड में दिया गया हो तो, ठीक है। तो आप केयरफुली देखिएगा सारे सब्जेक्ट को कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है और किस डिपार्टमेंट में है। तो मैं सब्जेक्ट को रीड आउट कर दे रही हूँ। जो फैकल्टी दिया गया है ह्यूमनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में, इसमें दिया गया है सब्जेक्ट अरेबिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पर्सियन है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट दिया गया है, उर्दू है, संस्कृत है, लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ दिया गया है। नेक्स्ट जो फैकल्टी दी गई है वो सोशल साइंस का दिया गया है। इसमें आर्ट फैकल्टी भी दी गई है और साइंस की भी है, इंजीनियरिंग की भी है, तो आप आराम से देखिएगा। सोशल साइंस की जो फैकल्टी दी गई है वो दिया गया है एडल्ट एजुकेशन है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी दिया गया है, दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ दिया गया है, स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च दिया गया है, इंटरनेशनल स्टडीज़ दिया गया है, सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्टडीज़ दिया गया है, वेस्ट एशियन स्टडीज़ है, कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस है, MCRC दिया गया है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, रिलीजन एंड सिविलाइजेशन दिया गया है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स थे। नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें दिया गया है बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी। जियोग्राफी देखिए यहाँ पे साइंस फैकल्टी से है, तो आपने अगर MA किया है तो आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप यहाँ पे PhD के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह सब अलग हो जाता है। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स दिया गया है, एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज़ है, और फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन साइंस दिया गया है, ठीक है इसमें। और उसके बाद में दिया गया है आपका रिसर्च इन बेसिक साइंस, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी दिया गया है। ये साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन में दिया गया एजुकेशन स्टडीज़ है, IASC दिया गया है, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दिया गया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके बाद में जो फैकल्टी है वो अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमनिटीज़ का है, जिसमें फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैथ है, ये सब अप्लाइड हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दिया गया है, जिसमें आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग दिया गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दिया गया है, रिमोट सेंसिंग इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिया गया है पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक मशीन दिया गया है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, डेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है।
आर्किटेक्चर में दिया गया है, आपका आर्किटेक्चर का ही सब्जेक्ट है। देन फाइन आर्ट दिया गया है, फाइन आर्ट में आपका आर्ट एजुकेशन दिया गया है। ये सारे सब्जेक्ट हैं। सीटों की संख्या अभी नहीं आई है, इसे आपको बाद में जल्द ही नोटिफाइड कर दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन है उसकी सारी डिटेल्स कि कहाँ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आया है जो कि न्यू दिल्ली में है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप की यूनिवर्सिटी है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, तभी इसे नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। काफ़ी अच्छा रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अगर आप PhD करते हैं तो आपके जो PhD है उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है PhD एडमिशन के लिए। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे इनवाइट किया गया है। जो एकेडमिक सेशन यहाँ पे दिया गया है वो 2021-22 का है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए वेबसाइट है, यहाँ पे दिया गया है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट, ये दोनों दिया गया। स्टार्टिंग डेट दिया गया 1 मार्च 2022, यानी फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहे हैं, 1 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। और जो आपके लास्ट डेट दी गई है वो आपका 30 अप्रैल 2022 है, 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है जो शेड्यूल है एडमिशन का, जैसे आपका एलिजिबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ सीट क्या होंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर पूरी डिटेल्स नहीं आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह नहीं दिया गया है। फिर भी अगर पिछले बार के एडमिशन प्रोसेस को देखा जाए तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका इम्प्लीमेंट होता है UGC के रेगुलेशन 2016 को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसका मतलब आपके पास PG प्लस 55% मार्क्स के साथ हो तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। आपको एक ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आपको स्कैन सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक पेन से किया हुआ हो, स्कैन फोटोकॉपी जो कि रिसेंट में ही निकाली गई हो, और आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा वो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से या फिर ATM कम डेबिट कार्ड से। और एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आप इसे एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में साइन अप करेंगे आपके ईमेल आईडी पे दिया रहेगा पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ से ही आपको कन्फर्म करना होगा। उसे वेरीफाई करके आप सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, उसके बाद में अपने फ़ोटो आईडी, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। देन उसके बाद में आप पेमेंट वगैरह करेंगे, अपनी सारी एजुकेशन की जो डिटेल्स है उसे फिल करेंगे और अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। सारी डिटेल्स दी गई है, कहीं भी कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टेप छूटी नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको कहाँ से बटन मिलेगा, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, उस पर लिखा क्या होगा, आपको कहाँ क्लिक करना होगा, वहाँ पे कौन सी डिटेल्स भरनी होगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। अभी जो पूरी डिटेल्स की पूरे इन्फॉर्मेशन की जो PDF है वो नहीं आई है, वो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।